बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस करीना कपूर खान आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिल्मों से ज़्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा बटोरती हैं। हाल ही में करीना ने अपनी प्रेगनेंसी बुक प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च की थी और उस किताब में उन्होंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी का अनुभव शेयर किया था। जी हाँ, उन्होंने किसी तरह की दिक्कत का भी सामना किया था जिसके बारे में इस बुक में उन्होंने शेयर किया है। इसके साथ ही बुक से खुलासा हुआ है कि उनके दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा गया है, जिस पर काफ़ी बवाल भी हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहांगीर के जन्म के 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन करीना की सास शर्मिला टैगोर अब तक उससे मिली नहीं है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक शर्मिला टैगोर ने करीना कपूर के दूसरे बेटे को अभी तक रियल में देखा नहीं है। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि करीना कपूर के बेटे को वो अब तक नहीं देख पाई हैं और शर्मिला टैगोर करीना कपूर खान और सैफ अली खान से बहुत नाराज़ हैं, जिसकी वजह से अब तक उनके बेटे से नहीं मिली है। इसी वजह से उन्होंने अब तक अपने छोटे नवाब को गोद में नहीं पकड़ा है। हालांकि ये केवल अफवाहें हैं, इन खबरों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। शर्मिला टैगोर कोविड के टाइम से ही दिल्ली में हैं, ऐसे में उन्होंने जहांगीर से मुलाकात नहीं की है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शर्मिला दिल्ली में रहती हैं और कोरोना महामारी के कारण यात्रा नहीं कर रही हैं। वहीं सैफ और करीना जय के जन्म के बाद से ही मुंबई में हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ही दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं और शर्मिला टैगोर से मुलाकात करेंगे। इस साल के आखिर में पूरा परिवार एक दूसरे से मिल सकता है। इस दौरान शर्मिला टैगोर वीडियो कॉल के जरिए परिवार से जुड़ी रहती हैं। वहीं इन दिनों करीना कपूर और सैफ अली खान अपने दोनों बच्चों के साथ मालदीव वैकेशन पर गए हुए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने सैफ का जन्मदिन भी वहीं सेलिब्रेट किया। मालदीव से बेबो ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की जिसमें वो पूरे परिवार के साथ चिल करती हुई दिखाई दे रही थी। इसमें उनके छोटे बेटे जय की भी झलक देखने को मिल रही थी। अपने किताब में करीना ने खुलासा किया है कि उनके बड़े बेटे तैमूर सैफ अली खान की तरह दिखते हैं, जबकि जय उनकी तरह दिखते हैं। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सर्वी की रिपोर्ट।